हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ट्रीट ऑल सेल्स एज मैन्युफैक्चर्ड। ये टॉपिक हमें कब काम आता है ये हम समझते हैं। समझ लीजिए, अगर हमारा बिजनेस है जिसमें हमें कभी भी कुछ परचेस नहीं करना पड़ता है, बट हम कुछ स्टॉक आइटम सेल करते हैं। उदाहरण के लिए समझ लीजिए, अगर हमारा खेत है और हमने कुछ गेहूं उगाया या हमने अगर चना उगाया, तो हमने कभी गेहूं और चना कभी किसी से परचेस नहीं किया, बट हम उसका सेल्स का बिल ज़रूर बनाते हैं जब हम उसको सेल करेंगे। तो आइए देखते हैं कि इसकी एंट्रीज किस प्रकार यहाँ पर हो सकती है। इसके लिए मुझे सबसे पहले क्रिएट में जाना पड़ेगा और यहाँ पर स्टॉक आइटम में जाऊँगा। स्टॉक आइटम में मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ गेहूँ। गेहूँ को हम लोग यहाँ पर वीट भी बोलते हैं, ठीक है। वीट के अंदर मुझे इसको भी प्राइमरी में ले लेता हूँ और यहाँ पर यूनिट्स में ले लेता हूँ उसको केजी, ठीक है। एंटर करके जब मैं इसको सेव करता हूँ, अब यहाँ पर एक ऑप्शन आता है प्रोवाइड बिहेवियर ऑप्शंस। अगर आपकी स्क्रीन पर ऑप्शन नहीं पूछ रहे तो आप लोग F12 करेंगे। F12 में आप लोग जब नीचे एंटर करके नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन आएगा सेट ऑप्शंस फॉर स्टॉक आइटम बिहेवियर। इस ऑप्शन को आपको यस करना है। प्रोवाइड बिहेवियर ऑप्शंस वाले ऑप्शन में जब यस करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन आता है ट्रीट ऑल सेल्स एज न्यू मैन्युफैक्चर। इसका मतलब ये हो गया है कि इस ऑप्शन को यस करने के बाद वीट को आपको परचेस नहीं करना पड़ेगा, पर आप इसको सेल कर सकते हैं क्योंकि ये खुद ही आप उगा रहे हैं कि आप किसी से परचेस नहीं कर रहे। आप इस ऑप्शन को यस करके सेव करेंगे, यहाँ पर भी आप इसको सेव कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से जाते हैं वाउचर्स में। वाउचर्स में हम लोग सेल्स में जाते हैं। सेल्स वाउचर में हम लोग कस्टमर को गुड सेल करते हैं। यहाँ पर हम लोग वीट सेल करते हैं। समझ लीजिए, अगर मैंने उसको 1000 किलो गेहूँ सेल किया है, यहाँ पर अगर मैं रेट ले लेता हूँ 120 रुपये किलो में, एंटर करके मैंने इसको स्क्रीन को सेव कर दिया है। चलिए आइए मैं देखता हूँ मेरी इन्वेंट्री बुक्स के लिए। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ डी फॉर डिस्प्ले में। डिस्प्ले में मैं इन्वेंट्री बुक्स में जाता हूँ, स्टॉक आइटम में जाता हूँ और वीट में जाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर इनवर्ड में लिखा हुआ आ गया 1000 kg और आउटवर्ड में आ गया 1000 kg और वैल्यू आ गई उसकी 120,000 रुपये। अगर मैं ऐसा नहीं करता हूँ, अब मैं यहाँ पर ऑल्ट जी करता हूँ। ऑल्ट जी में मैं एक और वाउचर क्रिएट करता हूँ सेल्स का, जो मैं कस्टमर को सेल कर रहा हूँ। और वीट की जगह मैं यहाँ पर राइस ले लेता हूँ, पर राइस में मैंने कोई भी बिहेवियर ऑप्शन सेट नहीं किया है। सेम एंट्री करूंगा मैं। मैंने यहाँ पे 1000 kg और यहाँ पर 120 रुपये किलो में मैंने राइस सेल किया है। मैं जब इसको एंटर करके सेव किया तो देखिए, जब मैं यहाँ पे राइस में जाता हूँ तो राइस में मेरे पास यहाँ पे -1000 kg आ रहा है, ठीक है। परंतु यही सेम एंट्री जब मैंने वीट में करी तो नहीं, यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस में कुछ भी नेगेटिव नहीं जा रहा था। रीजन बिहाइंड, क्योंकि मैंने यहाँ पर ट्रीट ऑल सेल्स एज मैन्युफैक्चर के ऑप्शन को यस कर रखा था वीट में, और राइस में इस ऑप्शन को मैंने कुछ भी सेटिंग्स नहीं करी थी। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपके कुछ भी क्वेश्चंस रहते हैं तो आप लोग मुझसे कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थोड़ा डिटेल में हमसे सीखना चाहते हैं तो आप हमारा टैलेंट मार्क एकेडमी के वेबसाइट में जाके ऑनलाइन कोर्सेज में ऑप्शन में जाकर आप हमारा पूरा कोर्स और करिकुलम देख सकते हैं। जैसे आप यहां पर गेट कोर्स डिटेल्स में आप जाएंगे तो आपको यहां पर हमारा पूरा कोर्स करिकुलम भी आपको यहां पर शो हो जाएगा। और यहीं से आप नीचे एट लास्ट यहां पर आप हमारे डेमो सेशंस देखने के बाद आप यहीं से हमारा कोर्स कॉन्टेंट भी परचेस कर सकते हैं। थैंक यू।